आइस बुट्स है, फिर वॉचिंग द चैनल 30 टैक, और मैं हूँ तन्मय। और जो अभी मेरे साथ हुआ वो हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, या हो सकता है आपके साथ भी। देखो ऐसे वो मेरे साथ हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस रहते हैं कि हो सकता है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज़ 11 डाउनलोड नहीं कैसे अपडेट करें, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो मैं बहुत खुश, मेरा अपडेट हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियली कैसे अपडेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, और हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ये ट्रिक जानते हो, या जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। पहले आपको अपना सेटिंग्स खोलना है, उसके बाद आपको विंडोज़ अपडेट पे जाना है, ठीक है। तो विंडोज़ अपडेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, तो ये छोड़ो इसको मान ध्यान दो, आपको विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम का ये बटन दिखेगा, आपको इसको दबाना है, ठीक है। इंसाइडर प्रोग्राम को एक तरह से आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो ज्वाइन किया हुआ हूँ, तो उसमें आपको यहाँ पे एक मतलब जहाँ पे ये लेटेस्ट बिल्ड नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन का ऑप्शन दबा दीजिए, ठीक है। ज्वाइन का ऑप्शन दबाने के बाद आपका मतलब आपको अपना वो क्या कहते हैं, उसके लिए आपके पास अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, जिसके आप देख सकते हो मेरे पास है, तो उसके लिए होना चाहिए। उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करना है। और ध्यान रहे कि यहाँ मतलब इस विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम यानी कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक रिस्टार्ट का यहाँ पे बटन दिखेगा, उसको दबा के ही आपको रिस्टार्ट करना है। आप सीधा इसको विंडोज़ बटन दबा के सीधा ऐसे नहीं करिएगा, ये नहीं होगा। आप अगर आप रिस्टार्ट कर भी लीजिएगा तभी भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको रिस्टार्ट करना है, इसलिए आपको यहीं पे आके रिस्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बटन दिखा देगा रिस्टार्ट का, यहीं पीसी को दबा के आपको रिस्टार्ट करना है। देखो तो रिस्टार्ट करने के बाद आपको अपने पीसी को ओपन कर लेना है, ऐसे अपने आप ओपन हो जाएगा, सो विंडोज़ अपडेट में आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मतलब चेक फॉर अपडेट्स का होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा ऐसे दिखा रहा है, इसको मैं रिट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो चेक फॉर अपडेट्स है ना, तो इसको दबाना है, ठीक है। उसके चेकिंग फॉर अपडेट्स होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ अपडेट्स आएंगे, ठीक है। और उसमें से एक विंडोज़ 11 का प्रीव्यू होगा, ठीक है। प्रीव्यू होगा, स्टेबल वर्जन नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल वर्जन जो होगा ना वो शायद अभी लॉन्च नहीं होगा। ऐसे चांसेस हैं कि वो अगस्त या सितंबर में लॉन्च हो, अक्टूबर में भी। सो उतना मुझे नहीं पता कि वो कब लॉन्च होने वाला है, लेकिन अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक स्टेबल वर्जन है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक प्रीव्यू वर्जन है, जो कि हम देख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो इंटेलिजेंस अपडेट है। तो गाइस इसी तरह से आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि मुझे अगली वीडियो किस पे बनानी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।